दोस्तों, आज मैं आपके लिए टेंस, यानी कि जो मैंने लास्ट वीडियो स्टार्ट करी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, उसका जो अगला पार्ट है, यानी कि जो उसका बी पार्ट था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस, वो लेके आया हूँ। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पहचानने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि अगर हम हिंदी में बोले, अगर हिंदी में अगर हम बात करते हैं, तो सेंटेंस के एंड में, वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूं और रही है। ठीक है, ऐसे वर्ड आते हैं। क्लियर? और बात समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कि अभी काम शुरू तो हो चुका है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको कंटिन्यूस कहा जाता है, निरंतर चल रहा है ये वाला। ठीक, अच्छा, कुछ ध्यान रखने वाली बात ये है कि सब्जेक्ट अगर हमारा ही, शी, इट, किसी का नाम, और ये सिंगुलर, याद रखना, नाम सिंगुलर, किसी एक का नाम हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इज का। किसका यूज करेंगे? इज। क्लियर हो गई बात? अच्छा, आई के साथ ऑलवेज एम का यूज किया जाता है। किसका यूज? एम का यूज। ठीक है, वहीं अगर सब्जेक्ट यू हुआ, वी हुआ, दे हुआ, प्लूरल हुए, और नेम्स, देखना ये क्या लिखा हुआ है, नेम्स, ये क्या है, नेम। नेम यानी कि सेंटेंस के अंदर अगर एक बार नाम है तो हम इस का यूज करेंगे, अगर दो नाम है यानी कि नेम्स, दो या दो से ज्यादा नाम है, तो इन सब के लिए हम क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे आर का, यानी कि इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इज, एम और आर का यूज होता है। बात समझ में आ गई? नाउ, और वर्ब की बात करें, हम किसकी बात करें, वर्ब की, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑलवेज आईएनजी यूज होता है। ठीक है, जो हमारा रहा वर्ड है ना, इस रहा का मतलब आईएनजी होता है। ठीक है, तो किसी भी टेंस के अंदर अगर रहा वर्ड आ रहा है तो आप हमें किसी भी वर्ब का फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, हम ऑलवेज क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। क्लियर हो गई बात? नाउ हम बात करते हैं फॉर्मेशन की। एक और चीज़ याद रखना कि हम ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश ना करें, डू और डज का यूज़ हम नहीं करेंगे इस वाले टेंस में। ठीक है, डू या डज का यूज हम इसमें नहीं करेंगे। ठीक, फॉर्मेशन की बात करते हैं। फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, ठीक है, फिर इज, एम, आर, किसी एक की नीड होगी इनमें से, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हम लगाएंगे। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, देन उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। बात क्लियर यहाँ तक? ठीक, नाउ हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, प्लस में नॉट, याद रखना ये नॉट यूज होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, आई एन जी, प्लस में ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगर हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो उसमें देखो, हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे थे तो डू और डस पहले यूज हो रहा था, इसमें डू और डस तो है नहीं, उसका हम यूज नहीं कर सकते, तो इज, एम, आर का यूज पहले होगा हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। तो इज, एम या फिर आर का यूज हम क्या करेंगे, सबसे पहले, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, फिर आपका ऑब्जेक्ट। याद रखना लास्ट में हमें इंटरोगेटिव साइन को लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? नाउ एक और हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस की बात करें हम, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस में ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव साइन। बात हो गई क्लियर? चलिए हम कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रोहित पार्क जा रहा है,
रोहित पार्क जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि रहा है लिखा हुआ है, जिससे कि हमें पता लग गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक। अगर हम इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है आपका? रोहित। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो रोहित, देखो अब रोहित क्या है, कौन से वाले में आ रहा है? इसमें है, इसमें है या इसमें? ये तो है ही नहीं, ठीक है। ये नेम्स नहीं है, ये किस में आ रहा है? नेम में। तो इसके साथ क्या लगेगा? इज। रोहित इज गो वर्ब होता है, उसके साथ आईएनजी, गोइंग टू द पार्क। कहाँ जा रहा है? पार्क जा रहा है। याद रखना, किसी डायरेक्शन की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो टू लगाएंगे, किसी तरफ हम जा रहे हैं तो क्या करेंगे? टू। और कहीं से हम आ रहे हैं तो फ्रॉम का यूज करेंगे, ये भी याद रखना, ठीक है। और इसको अगर हम कन्वर्ट करें नेगेटिव सेंटेंस के अंदर तो हम कैसे लिखेंगे कि रोहित पार्क नहीं जा रहा है, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा आपको, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? रोहित इज नॉट गोइंग टू द पार्क। क्लियर है मेरे दोस्तों, समझ आ रहा है आपको? नाउ हम बात करते हैं इसके थर्ड की तरफ। थर्ड हमारा क्या बनेगा इसका, कि क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या रोहित पार्क जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? इज का यूज पहले करेंगे, ठीक है। इस थर्ड वाले के अकॉर्डिंग क्या है? इज एम आर में से किसी एक का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट कोई नाम है, वो भी सिंगुलर है, तो इज का यूज करेंगे। इज रोहित गोइंग टू द पार्क और इंट्रोगेटिव साइन। क्लियर हो गई बात? नाउ एक और इसका इंट्रो नेगेटिव करते हैं कि क्या रोहित पार्क नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इज रोहित नॉट गोइंग टू द पार्क। क्लियर दोस्तों, समझ आ रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे ही सारे सेंटेंस को हमें बनाना है, ठीक है। कुछ मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके हमारे एक तरीके से जो कमेंट का बॉक्स है उसमें शेयर कीजिएगा। मैं देखूंगा कि आप कर पा रहे हो या नहीं। अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आंसर देने की, ठीक है। कुछ एग्जांपल, राधा खाना पका रही है, ठीक है। राधा इसमें सिंगुलर है, ठीक है। खाने को फूड बोलते हैं, पकाने को कुक बोलते हैं, तो उसके साथ आईएनजी का यूज करेंगे हम, ठीक है। एक और एग्जांपल, वे टीवी देख रहे हैं, ठीक है। वे देखो इसमें क्या है, वे मतलब प्लुलर, क्या है? प्लुलर। वे का मतलब क्या होता है? दे, क्या होता है? दे। तो प्लुलर है तो आपको पता है आप क्या यूज करोगे? आर। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। थर्ड एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम, तो ये मुश्किल तो है नहीं, ठीक है। रोहित और पवन नदी में नहा रहे हैं, क्या? रोहित और पवन नदी में नहा रहे हैं। देखो यहाँ पे दो नाम है, क्या है? दो नाम है।
सॉरी रोहन और भवन कितने नाम है, दो नाम, तो ये नेम्स के अंदर आ जाता है, तो नेम्स के अंदर आ जाता है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, आर, रोहन एंड पवन आर बाथिंग इन द रिवर, कहाँ पे नहा रहे हैं, नदी में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो मैं किस में आ रहा है, मैं आ रहा है सेकंड वाला, देख रहे हो, तो मैं मतलब आई होता, आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, एम। ठीक है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, तो आई एम रीडिंग द बुक। बात समझ में आ रही है। ठीक है, आप इसके चार के चार फॉर्म, जो भी एक सेंटेंस के जो चार पार्ट है, वो एक तरीके से आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के हमें शो करिए। ठीक, होप आप ऐसा करेंगे, ठीक, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि जो हम वीडियो में बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको समझ आ रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और एक और चीज़, शेयर जरूर करना। ठीक है ना, शेयर करोगे इससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिलेगा, जिसके लिए एक तरीके से हम लोग आपके शुक्रगुजार होंगे।